नमस्कार नीमच, लोकतंत्र के महाकुंभ में आहुति देने का क्रम सुबह से चल रहा है। लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हमारे बीच है कांग्रेस उम्मीदवार उमराव सिंह गुर्जर। आइए जानते हैं किस तरह का माहौल उन्हें नजर आ रहा है। क्या भाई साहब, आपने वोटिंग कर दिया है? हाँ, मैं अभी वोटिंग करके आया हूँ और नीमच के हर पोलिंग पर मतदाताओं में बड़ा उत्साह जी, और सरकार बदलने की और उनने ऐसा सोच लिया है कि ये 15 साल के विधायक जी के कार्यकाल के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं जी। वो कमलनाथ जी के सुशासन के पक्ष में वोट कर रहे हैं जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस सरकार बने और गरीबों की भलाई के लिए काम करें। जो वचन पत्र है कमलनाथ जी ने जो दिया है, वचन पत्र हर वर्ग के लिए, निचले वर्ग के लिए, हर सुविधा के लिए वचन पत्र है जी, और हर व्यक्ति को वो लाभ पहुँचेगा। अभी जो सरकार थी, खाली झूठे वादे पर और झूठे आश्वासन पर, और ये जो सरकार है, इन्होंने मतलब अनाचार और अत्याचार काफ़ी लोगों के ऊपर। कितना अभी कितने पोलिंग घूम लिए आप? नीमच शहर में घूम रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए? ग्रामीण और नीमच शहर को मिला के करीब 60-65 पोलिंगों पर गया हूँ। हर इच्छा इन पोलिंग को मिल रहा है, काफ़ी लोगों का ये मत है कि हमको खुलेआम वोट करना चाहें तो वो देंगे, लेकिन वो मतदान की प्रक्रिया है जी। लेकिन चुनाव में बड़ा उत्साह है। कहीं कोई ऐसी विसंगति या कहीं कोई विवाद की स्थिति का मामला सामने आएगा? कोई विवाद नहीं, मतदाताओं में कोई विवाद नहीं, और हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल शालीनता से सब पोलिंगों पर खड़े हैं जी, और अच्छी वोटिंग हो रही है। बस इतने दिन प्रचार प्रसार कर लिया, आज तो सिर्फ मन बना के आए हैं। आज क्या लग रहा है सुबह से अभी तक माहौल देखने के बाद, यूथ के प्रति कितने अस्वस्थ है? 101% कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है यहाँ के मतदाताओं पर। मैं इतने सालों से इन लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से ये यहाँ पर भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे, और ये जीत उन मतदाताओं की होगी जो उस निचले स्तर पर काम करके और सरकार बनाते हैं और सेवा का अवसर देते हैं। धन्यवाद। तो आप थे उमराव सिंह गुर्जर, कांग्रेस उम्मीदवार, जो पोलिंग घूम रहे हैं और लोगों से के मतदान पोलिंग सेंटरों के बाहर मतदान की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन माहौल अच्छा है, कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, और उन्हें उम्मीद है कि आज के बाद शहर की फिजा बदलेगी। निमट टूटे के लिए तबरे जागवान के साथ राकेश सोनी।